अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। जय अम्बे सासू माँ। जय अम्बे बेटा। प्रसाद। जय अम्बे बा। जय अम्बे बेटा। जीती रहो। देखा अम्बे का वो केसर अपनी बहू की जिम्मेदारी कितनी अच्छी तरह निभा रही है। हाँ बा। सासू माँ, सूरज आपके लिए आज दूध नहीं लाए क्या? लगता है भूल गए। How's this even possible? Here you go, ma. Super special lady के लिए super special हल्दी वाला दूध। Thank you, बेटा। बा। वैसे केसर, आज सुबह सुबह माँ के लिए हल्दी वाला दूध मैंने बनाया। अब बा के पैर दबा रहा हूँ। कई लोग ऐसा नहीं कहने लगे कि बेटा तो इतना केयरिंग है और बहू इतनी केयरलेस। चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैं अपना वादा पूरा कर रहूंगी। मासू की खातिर मैं आपको बदल कर रहूंगी। मुझे गलत साबित करने के लिए ही सही सूरज, आप बाकी सेवा तो कर रहे हैं, मासू के पास तो बैठे हैं, मेरे लिए इतना ही काफी है। कोई बात नहीं सूरज, बाहर वाले चाहे कुछ भी कहे, मेरे घर वाले मुझे अच्छे से जानते और समझते, मेरे लिए उतना काफी है। बिल्कुल सही कहा बेटा। अरे सूरज, टाइम तो देखिए, आपको अपना सरप्राइज नहीं देना क्या? सरप्राइज? पता नहीं आजकल हम दोनों को क्या हो गया। कल मुझे सासू माँ को सरप्राइज देना था और मैं भूल गई, आज सूरज को बापूजी को सरप्राइज देना और ये भूल गए। क्या सरप्राइज है सूरज? वो बाप। अच्छा ठीक है, मैं बताती हूँ। बा, आज सूरज बापूजी के लिए ब्रेकफास्ट बनाने वाले हैं। अच्छा, याद है तुझे बेटा, जब तू एकदम छोटा था ना, तो तेरे बापूजी तुझे गोद में बिठाकर खाना खिलाते थे और हंसते हंसते कहते थे, तेरे बचपन में मैं तुझे खाना खिला रहा हूं, मेरे बुढ़ापे में तू मुझे खिलाना। मुझे बापूजी की हर बात याद है बा। इनफैक्ट मैं तो ये भी नहीं भूला हूँ कि उनका फेवरेट ब्रेकफास्ट क्या है। क्या? फाफड़ा जलेबी और मेथी थेपला। चलिए चलिए मिस्टर हस्बैंड, किचन आपका इंतजार कर रहा है। एंड डोंट वरी, आई विल हेल्प यू विद इट। आई एम एट योर सर्विस माय डार्लिंग वाइफ, लेट्स डू इट। सर ये देखिए, ये वही बच्ची है जिसे हम 21 साल पहले यहाँ छोड़कर गए थे। अरे ये केस तो अपनी पटेल साहब हैंडल कर रहे थे, लेकिन अब तो वो रिटायर हो गए। अब जो कुछ भी पूछना है उनके घर जाके पूछना पड़ेगा। जी सर। जयेश। हाँ सर। उनके घर का पता दे दो इसे। पटेल साहब घर पर हैं? साहब की याददाश्त झूले की तरह है, आती जाती रहती है। जैसे इन्हें आज लग रहा है कि ये 12 साल के बच्चे। आपको क्या कहा मैं साहब से? आप वो 21 साल पहले पटेल साहब एक बच्ची के केस को देख रहे थे, बस उसी के बारे में जानकारी लेने आए। 21 साल पहले? समय खराब करने से कोई फायदा नहीं है साहब, कुछ बता नहीं पाएंगे। मेरी मानो तो आप चले जाइए। नहीं 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 नहीं, हम बहुत उम्मीद के साथ यहाँ पर आए, हमें एक बार उनसे बात कर लेने दीजिए प्लीज। ठीक है, ट्राई कर लो, आगे आपकी किस्मत। अरे क्या कर रहे हो सूरज, गोल गोल बेलिए ना उसे, देखो कौन सा शेप बना रहे हैं आप।
पूरी का आटा टेस्ट कर। नमक भी नहीं डाला आपने, नमक डालिए ना उसमें। नमक डालिए। अरे रे 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 रे, आप पर भरोसा ही नहीं हो रहा मुझे सच में। सूरज वो भी किचन में। पोता अपने बापूजी के लिए नाश्ता बना रहा है। तुम सब मिलकर मेरे बच्चे पर नजर मत लगाओ। वैसे बाप, केसर और सूरज जैसा बर्ताव कर रहे हैं, आपको कुछ अलग नहीं लग रहा? हितल वो, तो फिर से पहले जैसी बातें शुरू मत कर। घर में सब अच्छा चल रहा है, सब खुश हैं। अपनों की खुशियों से खुश होना सीख, समझी? तुम्हें क्या लगा था बापूजी के लिए ब्रेकफास्ट बनाने की बात सुनते ही मुझे गुस्सा आ जाएगा? लगा था ना? तेल देखो कितना गर्म हो रहा है, गुस्से से उबल रहा है। पुड़िया तल दीजिए। वैसे परिवार वालों की इतनी चिंता है तुम्हें, पर अपने पति की तो कोई परवाह ही नहीं है। आफ्टर ऑल मेरी तरफ कुछ जिम्मेदारी है ना तुम्हारी। क्या हुआ? क्या हुआ? चल गया। इसीलिए कहते हैं ना कि किचन में ध्यान इधर उधर नहीं भटकाना चाहिए। अरे बच्चों, नाश्ता बन गया? बन गया। अरे वाह, इतनी करारी पूरियां। अब्बा, मैं बापूजी को नीचे लेकर आती हूँ। ठीक है बेटा। तुमने मुझे गरम तेल से डराने की कोशिश की केसर, नहीं करनी चाहिए थी। आग से खेलोगी तो तुम भी जलोगी। अब देखो तुम्हारे साथ क्या क्या करता हूं मैं। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।